हेलो बच्चों, हाउ आर यू। दिस इज अतुल सिन्हा फ्रॉम अन एकेडमी। अन एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं अतुल सिन्हा बोल रहा हूँ, एमएससी एलएलबी बीएड। और आपके साथ मेरा कमिटमेंट है कि जीएस के सभी सब्जेक्ट का मैं आपको तैयारी कराऊंगा, जिसमें हमने साइंस, हिस्ट्री और पॉलिटी की क्लास अभी शुरू की है। फिजिक्स की क्लास आपकी कई सारी हो चुकी है, जिसमें हमने न्यूटन्स का लॉ, उसके बाद लॉ ऑफ इनर्शिया है ना, उसके बाद आपको हमने ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये सब कराया है। नेक्स्ट लेक्चर है टुडे इलेक्ट्रिसिटी, और इसको आप ध्यान से पढ़े, इट इज वेरी वेरी थ्योरेटिकल वन। थ्योरी से खूब क्वेश्चन आते हैं। एनडीए कमिंग एग्जाम 6 सितंबर को होने वाला है, जिसका एडमिट कार्ड बहुत सारे बच्चों का आ गया, इट मीन्स इट इज गोइंग टू बी हेल्ड बच्चों, तो बी प्रिपेयर फॉर इट। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि 10 अगस्त से हमने एक बैच लॉन्च किया है, जिसका दैट इज सीडीएस सीएपीए फॉर और एफकैट के लिए स्पेसिफिकली बायलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाई हो रही है। बच्चे खूब एंजॉय कर रहे हैं। आप ही के डिमांड पे ये बैच हमने शुरू किया है, जिसमें मैं इकोनॉमिक्स और साइंस का 100 लेक्चर का दैट इज टाइम टेबल दिया हूँ, और उससे आप गेट बेनिफिटेड हो, एकदम मॉडर्न, दैट इज टू द पॉइंट, और बिल्कुल करंट इकोनॉमी के साथ आपको मैं उसमें पढ़ा रहा हूँ। तो डू ज्वाइन दिस बैच बाय यूजिंग अतुल सिन्हा। अतुल सिन्हा कोड वर्ड इस्तेमाल कीजिए, रेफरल कोड, एंड गेट बेनिफिटेड बच्चों। लेट अस स्टार्ट विद द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत होती है बच्चों 600 बीसी में, द अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ अंबर। अबाउट 600 बीसी द अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ अंबर, विच इज अ ट्रांसपेरेंट फॉसिल रेजिन, वाज नोन। 600 बीसी में एक पारदर्शी रेजिन है, रेसा है, जिसके आकर्षण के बारे में लोगों को जानकारी थी। यहां से शुरुआत होती है, इलेक्ट्रिसिटी का इतिहास शुरू होता है। यू हैव टू नो सम बेसिक्स इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच हैज बीन ऑलवेज आस्क्ड बाय द यूपीएससी। सेकंड पॉइंट है कि थेल्स ऑफ मिलेटस, प्राचीन रोम के ये सब का भी काबिल लोग होते थे। थेल्स ऑफ मिलेटस 625 से 545 बीसी, मतलब ईसा पूर्व, ऑब्जर्व द अट्रैक्शन ऑफ अंबर व्हेन रब्ड फॉर अ बिट्स ऑफ स्ट्रॉ। एक तिनके के साथ अगर अंबर को रगड़ा जाता है तो उसमें आकर्षण का गुण आ जाता है, ये थेल्स ऑफ मिलेटस ने देखा था। इट वाज आल्सो बिफोर क्राइस्ट। उसके बाद आता है डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, सर विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट 1540 से 1603 फाउंड दैट अदर सब्सटेंस कुड आल्सो बी इलेक्ट्रिफाइड, अन्य वस्तुओं को हम दैट इज विद्युतीकृत कर सकते हैं, ये विलियम गिलबर्ट में देखा था 1540 से 1606 के पीरियड में। दैट इज एग्जांपल ग्लास रड रब विद सिल्क, इन विच ग्लास लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड बिकम पॉजिटिवली चार्ज। किसी अगर शीशे के छड़ को अगर सिल्क के साथ रगड़ा जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जिसके चलते क्या होगा, सिल्क गेन इलेक्ट्रॉन, एक चीज लूज करेगा तो दूसरा गेन करेगा, तो सिल्क गेन इलेक्ट्रॉन एंड बिकम नेगेटिवली चार्ज, सिल्क ऋण आवेशित हो जाएगा, ग्लास रड धन आवेशित हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों चार्ल्स फ्रैंकोइस डूफे। चार्ल्स फ्रैंकोइस डूफे 1698 से 1739 ऑफ फ्रांस found that other that there are two kind of electricity, दो तरह का विद्युत होता है। अगर ये पूछा जाने वाला को पूछा जाएगा कि कौन सा पहला मैकेनिक था, तो चार्ल्स फ्रैंकोइस डूफे 1698 से 1739। गॉट इट। उसके बाद आ जाइए यूएसए के थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। पतंग उड़ाते हुए इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का दैट इज परसेप्शन किया था, परसीव किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन इन 1706 to 1790 अगर एबोनाइट के छड़ को फर यानी किसी पक्षी के पंख से रगड़ा जाता है तो उसमें जो आवेश आएगा उसको उन्होंने ऋण आवेश कहा।
और ग्लास के ऊपर रड के शीशे के छड़ पर जो आवेश आएगा उसको उन्होंने धनावेशित कहा। दैट इज दीज आर द प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन आई एम गिविंग। मेनी ए टाइम दिस क्वेश्चन में भी आज इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। उसके बाद आ जाइए कि चार्ज लाइक मास इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैटर क्या है? एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैविंग सम मास इज कॉल्ड मैटर। मतलब मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर का, उसी तरह से चार्ज भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। आवेश जरूर आवेश होगा उस पर, फ्रिक्शन के द्वारा हम उसमें आवेश जरूर उत्पन्न कर सकते हैं। सेम थिंग आई हैव सेड इन द दैट इज स्पेसिफिक हीट के बारे में कहा है कि स्पेसिफिक हीट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। विशिष्ट उष्मा किसी पदार्थ का मूलभूत गुण है। अगर हम कह देते हैं कि कोई सब्सटेंस हमारे पास है और उसका स्पेसिफिक हीट 4180 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट इट इज द वाटर। वाटर का स्पेसिफिक हीट 4180 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ जस्ट लाइक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तरह है। कूलम्स लॉ क्या करता है बच्चों, कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस एट रेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड टू द टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। व्हेन द फोर्स इज एक्टिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, जैसे ये एक Q1 और Q2 चार्ज है, दोनों में धन आवेश है, दो बोथ आर पॉजिटिवली चार्ज एंड देयर इज ए लाइन ज्वाइनिंग इट, लीनियर है, तो दैट इज एक्शन, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब ज्यादा पार दैट इज मोर चार्ज मोर फोर्स, लेस चार्ज लेस फोर्स। If we increase the distance, the force will decrease. If we decrease the distance, then force will increase with the square. Okay. हाँ, charge के गुणनफल का समानुपाती और दोनों के बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। What we have said or what we have learned by the Coulomb's law, if the two charges place that is along the same line. Same is the case with the second one. Second में क्या होगा? If Q1, Q2 both are negative, then repulsive force will be there between them. Repulsive force between there between the first two charges, which is positively charged. Positive positive repulsion, negative negative repulsion. दोनों में विकर्षण बल होगा. Third one is one negative, first one Q1 negative, Q2 positive, then attractive force will be there. दोनों में आकर्षण होगा. फोर्थ केस में अगर Q1 पॉजिटिव है Q2 नेगेटिव है, देन अगेन देयर इज अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन देयर बिटवीन दीज टू चार्जेस। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द कूलम्स लॉ। कहा जाता है कि इसने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से चीटिंग की है। व्हाटएवर द कंट्रोवर्सी इज देयर, वी हैव नथिंग टू डू, वी हैव टू लर्न ओनली दैट इज साइंटिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ दिस लॉ। है ना, वैज्ञानिक पहलू हमको देखना है बच्चों। Q1 and Q2 are separated by distance d, then the force of attraction or repulsion F is F directly proportional to Q1 into Q2, equation first ho gaya, and force inversely proportional to square of the distance between them, F proportional to 1 upon d square, equation 2. So by equation first and second, we can say force proportional to Q1 into Q2 upon d square, aur do cheez proportional hai, to hum isko equal likh sakte hain. If b अप्लाई ए कॉन्स्टेंट तो एफ इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन डी स्क्वायर हो जाएगा, वेयर के वेयर द वैल्यू ऑफ के व्हेन द चार्ज आर सिचुएटेड इन वैक्यूम और एयर इज गिवन बाय 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। के का वैल्यू क्या होगा बच्चों? 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। दस एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? एफ इक्वल टू 9×10⁹ Q1×Q2 अपॉन डी स्क्वायर। अगर हमने रख दिया वैल्यू के का को, तो इस तरह से इक्वेशन बनेगा। गॉट इट।
ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज कूलाम है. ऑलरेडी यू नो F is equal to 9 into 10 to the power 9, Q1 into Q2 upon D square, और F कितना है, तो 9 into 10 to the power 9 Newton, force Newton में हम denote करते हैं, तो Q1 into Q1 is equal to Q2 is equal to Q, we can assume, अगर Q1 और Q2 दोनों बराबर है, तो हम इसको Q लिख सकते हैं, और distance को हम 1 meter अगर ले ले, unitary में ले ले, unit में ले ले, that 9 into 10 to the power 9, इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 अपॉन 1 स्क्वायर इंटू Q2 हो जाएगा. दैट इज ये क्यू बराबर है Q2 और क्यू बराबर हमने इसका कंसीडर किया है, तो इट मींस क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 कूलाम. जो मिनिमम चार्ज पॉसिबल है उसको हमने कूलाम में डिनोट कर दिया, 1 हम इसको यूनिट में ले सकते हैं. दस वी कैन डिफाइन, कैसे डिफाइन करोगे, 1 कूलाम इज दैट चार्ज विच वुड रिपेल and equal and similar charge placed at a distance of 1 meter from it in vacuum or in air with a force of 9 into 10 to the power 9 Newton. एक कूलम को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, कि हम कह सकते हैं कि एक कूलम का आवेश वो आवेश है जो समान आवेश को जो 1 meter की दूरी पर स्थित है या तो उसे आकर्षित करता है या विकर्षित करता है, और या तो यदि वह चार्ज आवेश जो है या तो निर्वात में रखा है या हवा में रखा हुआ है, और वो किस फोर्स के साथ आकर्षित विकर्षित करेगा, तो 9 into 10 to the power 9 न्यूटन इस फोर्स के साथ करेगा. बच्चों तो प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी बच्चों, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट एंड द लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ भी इसमें नहीं है विशेष, है ना. समान आवेश में आकर्षण विकर्षण होता है और असमान आवेश में आकर्षण होता है. नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस वेरी डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस एंड इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. दो आवेश के बीच में है ना जो बल लगेगा वो दोनों के गुणनफल का समानुपाती और दोनों के बीच के दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होगा. F proportional to Q1 into Q2 upon R square और F is equal to K Q1 into Q2 upon R square. यदि स्क्वायर कुछ भी कर लो बात बराबर है, K 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर हो जाएगा. इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व, आप प्रॉपर्टी में आ जाइए इसके, इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व करता है, संरक्षित रहता है. इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव, 1, 2, 3, 4 हम जोड़ सकते हैं. एडिटिव का मतलब दैट इज टोटल चार्ज इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल चार्जेस. इंडिविजुअल चार्जेस का अलजेब्रिक सम हो जाएगा टोटल चार्ज. बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज, डिस्क्रीट है, वेव की तरह नहीं है. क्वांटम ऑफ चार्ज दैट इज मिनिमम चार्ज विच इज कैपेबल ऑफ ब्री एग्जिस्टेंस इज इक्वल टू एन टू एन इलेक्ट्रॉन. जो मिनिमम चार्ज पॉसिबल है वो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, वही है. Q is equal to n into e कर सकते हैं, जहाँ के n जगह पे क्या हो जाएगा, +-1, +-2, +-3, whatever you take. E is equal to charge on an electron. एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसको e कहेंगे, और वो बराबर है -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम के. Got it? कंडक्टर क्या होता है, through which the charge can easily be passed, जिससे आवेश आसानी से पास हो सकता है, उसको चालक कहते हैं. एग्जाम्पल ले लीजिए मेटल, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड आयोनाइज गैस, है ना, नमक का जलीय घोल, आयनीकृत गैस या धातु, ज्यादातर धातु होते हैं, इंसुलेटर, कुछ अलग, थ्रू विच द चार्ज कैन नॉट पास, जिसे आवेश पास ना हो सके, जैसे ग्लास हो गया, पोर्सिलिन हो गया, प्योर वाटर हो गया. वाटर में जब तक मिनरल नहीं रहेगा तो वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. ऑल गैसेज है, आयनाइज होगा तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. इंसुलेटर आर कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक, वेरी इंपॉर्टेंट, इंसुलेटर को डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं. इट कैन बी चार्ज बाय फ्रिक्शन, इसे घर्षण के द्वारा आवेशित किया जा सकता है. अब आ जाइए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और स्टैटिक इलेक्ट्रिक, या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट. इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट हो या इलेक्ट्रिसिटी एट रेस्ट हो, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्थिर विद्युत, जिसमें आवेश स्थिर होता है, ट्रांसफर हो जाएगा घर्षण से. करंट इलेक्ट्रिसिटी डील विद द
charge in motion, अगर that is आवेश गति में होता है तो इसको current electricity का विषय है. Next point बच्चों, classification of material on the basis of resistivity. प्रतिरोध के आधार पर वस्तुओं का हम वर्गीकरण कर सकते हैं on the basis of their resistivity and its dependence on the temperature. Material are of four categories, है ना, उसकी प्रतिरोधक क्षमता और उसके तापक्रम पे निर्भरता के आधार पर हम वस्तुओं को चार भागों में डिवाइड करते हैं. एक होता है कंडक्टर, चालक, मेटल एंड अलॉयज, मेटल और उसके मिश्र धातु, कॉपर, सिल्वर, प्लेटिनम हैव स्मॉल रेसिस्टिविटी. जो अच्छा चालक होगा उसकी प्रतिरोध कम होगा. स्मॉल रेसिस्टिविटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10^-8 ओम मीटर. रेसिस्टिविटी का यूनिट है ओम मीटर. Which increase with temperature. Temperature के साथ conductor का resistivity बढ़ता है. That is alpha is positive. Next alloys, मिश्र धातु as nichrome, manganese, constantine and eureka. Resistivity is more than constituent. इसके संघटक से इसकी resistivity ज्यादा होगी. But increases slowly with temperature. तापक्रम के साथ धीरे धीरे बढ़ता है. That is rho is independent of the temperature. रो इसका टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है एंड अल्फा इज पॉजिटिव क्योंकि धीरे धीरे ही तो बढ़ रहा है लेकिन प्रतिरोध बढ़ रहा है. नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर, अर्धचालक, पोजेस ए फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन एंड पोजेस दैट इज रेसिस्टिविटी ऑफ द ऑर्डर 3×10^3 ओम मीटर. 3×10^3 ओम मीटर सेमीकंडक्टर में होगा. ओके, दैट इज प्रतिरोध एंड डिक्रीजेस विद टेम्परेचर या तापक्रम के साथ घटता है. अल्फा इज नेगेटिव. ओके, नेक्स्ट आ जाइए इंसुलेटर, कुचालक, हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन. इसमें नो फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा एंड एज सच हैव ए वेरी हाई रेसिस्टिविटी ऑफ द ऑर्डर 10^16 ओम मीटर. इसका प्रतिरोध बहुत उच्च होगा, 10^14 ओम मीटर होगा. विच डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर. तापक्रम के साथ इंसुलेटर की चालक दैट इज प्रतिरोध घटती है, चालकता बढ़ती है. अल्फा इज निगेटिव. एग्जाम्पल हो गया माइका, रबर, ग्लास, चाइना क्ले, फ्यूज क्वार्ट्ज, ऑल दीज आर कंसिडर्ड एज दैट इज इंसुलेटर, गुड इंसुलेटर, बहुत अच्छा कुचालक है. इसके बाद एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, सुपर कंडक्टर. सुपर कंडक्टर का बहुत इस्तेमाल है बच्चों. मेटल एंड कंपाउंड्स होते हैं विच रेसिस्टिविटी बिकम जीरो बिलो सर्टेन टेम्परेचर कॉल क्रिटिकल टेम्परेचर. क्रांतिक तापक्रम वो तापक्रम होता है जिसपे कुछ धातु का या यौगिक की है ना प्रतिरोध शून्य हो जाए. सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वी हैव ऑलरेडी लर्न. चांदी सबसे अच्छा सात चालक होता है, आपको पता है. When our body is dry, बहुत important, its resistance is about 50 kilo ohm. And in case it is wet, its resistance is 10 kilo ohm. अगर सूखा होगा तो प्रतिरोध ज्यादा होगा, अगर गीला होगा तो प्रतिरोध कम होगा. And thus by using Ohm's law, अगर Ohm's का law apply करते हैं तो dry condition में 55 milliampere और गीले कंडीशन में 50 मिली एम्पियर रेस्पेक्टिवली है ना, दैट इज अ करंट विल फ्लो यूजिंग ओम्स लॉ. 5 मिली एम्पियर एंड 50 मिली एम्पियर रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द ड्राई एंड वेट बॉडी करंट विल पास. आवर बॉडी इज अ गुड कंडक्टर. इसलिए गीले पर अगर बॉडी हो तो कभी स्विच को ऑन नहीं करना चाहिए, टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि चालकता बहुत बढ़ जाती है बच्चों, 10 गुना बढ़ जाएगी. Got it? वैसे कहते हैं 200 गुना बढ़ जाती है, 200 टाइम ग्रेटर चांस हो जाता है. ओके, कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल फॉर स्पेसिफिक यूज, विशिष्ट उपयोग के लिए है ना वस्तुओं की चालकता. टंगस्टन, टंगस्टन आपको पता है, एनडीएमएस का सिंबल तक पूछ दिया है. इससे तो काफी अच्छी बातें पढ़ रहे हैं आप यहाँ पे. फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, जनरल साइंस आते हैं. अगर जनरल साइंस को मान के चलेगा वो अच्छी तरह से पढ़ के जाएगा. हाई फाई चीजें कम पढ़िए, 5 क्वेश्चन हाई फाई आएगा. ज्यादातर क्वेश्चन सिंपल आने वाला है बच्चों. ओम्स का लॉ, सिंपल सर्किट डायग्राम, यही एनडीए के सिलेबस में मेंशन है. क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, यूपीएससी फ्री है.
दिस इज अतुल सिन्हा, 20 ईयर एक्सपीरियंस। मैं आपको कई सारे बच्चों को पढ़ा के और आर्मी में ऑफिसर बना चुका हूँ, आईएएस पीसीएस बन चुके हैं, हरियाणा के कई डीएसपी मेरे स्टूडेंट रहे हैं, है ना, आईपीएस मेरे स्टूडेंट रहे हैं। तो आपको मैं वही चीज बताऊंगा जो मेरी सफलता का सबसे बड़ा राज है। और मैंने बताया कि मेरा रेफरल कोड है अतुल सिन्हा अनअकैडमी पे, अनअकैडमी के प्लस का मैं टीचर हूँ। आपको यहाँ पे यूट्यूब पे सारी क्लास आपको दे रहा हूँ, यू कैन लर्न एंड गेट बेनिफिटेड। कम टू माय प्लस क्लास, प्लस में आइए और अनअकैडमी पे, और वहां पे आप देखिए कि फुल सिलेबस टाइम बाउंड पीरियड में हम लोग कैसे खत्म करते हैं। सीडीएस का एक नया बैच हमने अभी 10 अगस्त को लॉन्च किया है, जिसमें इकोनॉमिक्स और साइंस पूरा मैं टीच कर रहा हूँ। चिल्ड्रन आर एंजॉइंग, बीटेक बच्चे हैं, कोई मरीन इंजीनियर है, सभी बच्चे लाइक कर रहे हैं, मेरे टोन को लाइक कर रहे हैं, मेरे पर्सनालिटी को लाइक कर रहे हैं, तो आप सब्जेक्ट भी लाइक करने लगेंगे। सब्जेक्ट में सारा चीज इनग्रेडियंट के रूप काम करता है बच्चों। ये सारी साइंस सब जगह पढ़ाई गई है, सब कुछ बुक में है, बट हाउ टू रिप्रेजेंट, हाउ इट रिप्रेजेंट, इट इज द मेन आर्ट। और अगर आपको लोकल लैंग्वेज पसंद है तो भारतीय उपमहाद्वीप के बच्चों के लिए मैंने साइंस प्रण किया हुआ है कि बहुत पॉपुलर बनाऊंगा। जो बच्चे कॉमर्स के बैकग्राउंड के हैं, आर्ट्स के बच्चे बैकग्राउंड के हैं, उनको भी केमिस्ट्री फिजिक्स बिल्कुल खिलौना लगेगा, आपके पॉकेट में होगा। इट इज माय चैलेंज, कम टू माय क्लास। कोई दिक्कत होगी तो मैंने 100 लेक्चर के साथ बोला है कि 30 से 40 मैं स्पेशल क्लास दे सकता हूँ, अनलिमिटेड क्लास दूंगा, अनलेस एंड अंटिल यू गेट बेनिफिटेड, दैट इज सैटिस्फाइड। इस तरह का टीचर हम लोग को मिला नहीं था। इकोनॉमिक इज ए वेरी डायनेमिक सब्जेक्ट, सेम इज द केस विद केमिस्ट्री, बहुत नीरस है। यहाँ 40-40, 30-30 क्लास में लोग करा रहे हैं, मैं यहाँ 15 लेक्चर में आपको एनडीए क्लियर करने की गारंटी देता हूँ। आप करके देखिए, सीडीएस करके देखिए, 30 क्वेश्चन सीडीएस में आते हैं, 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री के एनडीए में आते हैं, और ऑल दैट इज क्वेश्चन आर ऑन माय टिप्स, टिप्स पे है सब कुछ। डेविएशन होगा, 2-4 क्वेश्चन नहीं आएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आप करके आएंगे, निकाल के ले जाएंगे एसएसबी के लिए, आपके लिए मैं यहाँ पे गेट खोल रहा हूँ। टंगस्टन मैं बता रहा हूँ, इसमें फिल्ड विद इनर्ट गैस, इनर्ट गैस में बच्चे कहते हैं कि सर हीलियम नियन आर्गन तो है, ये नाइट्रोजन को लिख दिया। अरे नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन इनर्ट की तरह ही तो बिहेव करता है, नॉर्मल गैसेस की तरह बिहेव करता है, ऑक्सीडेशन को रोकेगा, ब्लैकनिंग ऑफ द बल्ब को रोकेगा, तो या तो नियोन या तो आर्गन बल्ब में भरा जाता है। नाइक्रोम निकेल 60%, क्रोमियम 12%, मैग्नीज 22%, आयरन 26%, ये परसेंटेज एक हमने प्राइमा फेसाई दिया हुआ है, किसी भी मिश्रण का दैट इज कंपोजिशन फिक्स नहीं हो सकता, किसी भी अनुपात में हम बनाएंगे तो बनेगा, अलग अलग बनेगा, बट एक स्टैंडर्ड है, इसको आप रेफरेंस के रूप में ले सकते हैं, नहीं तो बाकी आप याद रखिए कि मेन कंस्टिट्यूएंट निकेल एंड मैग्नीज है और आयरन है और चौथा है क्रोमियम, ठीक है। हाई रेसिस्टिविटी होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, उच्च प्रतिरोध, उच्च गलनांक बिंदु, उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टेंट एन एंड मैंगनीन, दो एलॉयज है जिसका इस्तेमाल हम रियोस्टेट, वेरिएबल रेसिस्टर्स इन सब में करते हैं, यूज फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेसिस्टेंसेस, रेसिस्टर्स फॉर रेसिस्टेंस बॉक्सेस एंड रियोस्टेट, इन सब का सिंबल आया है एनडीए में और मैंने अगले क्लास में डालना है, इसको आप ध्यान में रखिए, इसको करके जाइए, पसीने छूट गए थे जब मैंने स्पेशल क्लास में दिए थे तो अच्छे अच्छे बच्चों का। तो आप भारी 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 चीज पढ़ेंगे या सिंपल नहीं पढ़ेंगे तो आप एनडीए से दूर हो रहे हैं। अब आ जाइए कॉन्स्टेंट एंड में 60% कॉपर और 40% निकल है, 60-40 का रेशियो बहुत सिंपल है। मैंगनीन में क्या है, 84% कॉपर, मैग्नीज 12%, मैग्नीशियम 4%, लिख लिख के याद करना होगा, सभी ऐसे ही करते हैं, कोई कोड बनाना है बना लो लेकिन याद करो। टीन लेड एलॉय में लो रेसिस्टिविटी होगी, टीन लेड पीबी और एसएन का है एलॉय, इसका स्पेसिफिक नेम नहीं है, यही है टीन लेड एलॉय, याद करो, लो रेसिस्टिविटी होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, यूज फॉर फ्यूज वायर, निम्न प्रतिरोध, निम्न गलनांक बिंदु और फ्यूज का वायर में इस्तेमाल होता है।
अब आ जाइए कॉपर एंड एल्युमिनियम एलॉय, इसका भी नाम है कॉपर एल्युमिनियम एलॉय, लो रेसिस्टिविटी होगा, लो रेसिस्टिविटी, निम्न प्रतिरोध, एल्युमिनियम इज लाइटर देन कॉपर, इट इज प्रेफर्ड टू कॉपर फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ पावर। लंबी दूरी के तार को हम कॉपर क्यों नहीं लेते हैं जबकि उसका प्रतिरोध कम है एल्युमिनियम के जगह पे, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो तुम क्या जवाब दोगे कि कॉपर भारी होता है, ये भी होता है, लटक जाएगा तार, इसलिए घरों में वायरिंग में हम कॉपर का इस्तेमाल करते हैं और दूर वाला में एल्युमिनियम का करते हैं। सऊदी अरबिया में दूर वाला में भी दैट इज सिल्वर का होता है, बेस्ट कंडक्टर है, यहाँ लगा दिया जाए तो लोग तार काट के ले जाएंगे, क्लास भी तुम्हारी नहीं हो पाएगी, मैं यहां से पढ़ा भी नहीं पाऊंगा, बीच में ही कट जाएगा पावर कट, ठीक है, वहां पे कोई काटेगा तो बहुत तगड़ा उसका पेनल्टी है। कॉपर इज प्रेफर टू इट इज प्रेफर टू कॉपर, एल्युमिनियम इज प्रेफर टू कॉपर फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ पावर, गॉट इट। अब आ जाइए सुपर कंडक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके आप पढ़ भी सकते हैं, मैं जितना कराऊंगा उसके बाद जाइए नेट पे देखिए, सर्च कीजिए और अपना नॉलेज बढ़ाइए, बेसिक चीज जान लीजिए कि सुपर कंडक्टर्स का इतिहास क्या है। तो हीथ कैमरलिंग ओनस एक साइंटिस्ट थे 1853 टू 1926, डिस्कवर द रेसिस्टिविटी ऑफ मरकरी रिड्यूस टू जीरो एट 4.2 केल्विन। मरकरी का यानी पारे का प्रतिरोध 4.2 केल्विन पे ले जाने पे शून्य हो जाता है, बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं है, मेटल में ये अच्छा कंडक्टर नहीं माना जाता है मरकरी और लेड, लेकिन उसका प्रतिरोध शून्य हो जाता है, लेकिन टेम्परेचर आपको एक्सेप्शनली लो ले जाना पड़ेगा, जीरो केल्विन का मतलब -273 हो गया, तो -269 के लगभग आपको 69 के लगभग ले जाना पड़ेगा, विच इज वेरी डिफिकल्ट, टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव होगा, उतना लो टेम्परेचर हम ले जाएंगे तो बहुत खर्च होगा। तो इवन पुअर कंडक्टर एज लेड, मरकरी के साथ लेड भी पुअर कंडक्टर है, हैव बीन फाउंड टू हैव वेरी लो रेसिस्टिविटी एट लो टेम्परेचर कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स, द टेम्परेचर बिलो विच ए मटेरियल इज इन सुपर कंडक्टिंग स्टेट इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर, वो थ्रेशोल्ड टेम्परेचर, वो मिनिमम टेम्परेचर जिसके नीचे कोई भी पदार्थ सुपर कंडक्टर की तरफ बिहेव करने लगेगा, उसका प्रतिरोध शून्य हो जाएगा, उसका दैट इज रेसिस्टेंस शून्य हो जाएगा, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर और ट्रांजिशन टेम्परेचर, व्हाट वी हैव ऑलरेडी लर्न इन द अदर टॉपिक टू। सुपर कंडक्टर हैव जीरो रेसिस्टेंस, इसका प्रतिरोध शून्य हो जाता है, दिस कैन बी यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का मेन थीम है, मेन एम है ना, डीसी में हमारा 6 लॉस होता है, इसलिए हम लोग अपने घर में बैटरी रखते हैं तो उसकी तार से और हमारे अप्लायंसेस से दूरी ज्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी लॉस हो जाएगा, और जबकि हमारा नॉर्थ ग्रिड कहां से झारखंड से लेके इलेक्ट्रिसिटी आता है, पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो वहां पे कैसे होता है, क्योंकि वहां पे लॉस नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का लॉस नहीं है, लंबी दूरी में भी करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसानी से जाएगा विदाउट लॉस, दिस इज द मेरिट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी ओवर द डीसी। तो सुपर कंडक्टर का जो है अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो एनर्जी का लॉस और कम होगा, हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और एफिशिएंट बनेंगे। इन 1986 कार्ल मूलर एंड जोनास बेंड्रोस दो साइंटिस्ट थे, डिस्कवर द ऑक्साइड ऑफ बेरियम लैंथेनम एंड कॉपर विच इज सुपर कंडक्टर एट 40 केल्विन। अब पहले 4.2 केल्विन पे बना, अब 40 केल्विन पे अगर इसने जो बेंड्रोस ने डिस्कवर किया कि बेरियम का ऑक्साइड लैंथेनम और कॉपर अगर सुपर कंडक्टिंग स्टेट में जाता है तो हमारे लिए फायदेमंद है क्योंकि उससे ज्यादा टेम्परेचर है। दैट इज लास्ट पॉइंट हमने लिखा है बच्चों कि रिसेंटली डिस्कवर मटेरियल एट 120 केल्विन बिकम सुपर कंडक्टिंग स्टेट। 120 केल्विन तक हमने पढ़ा है कि सुपर कंडक्टर बन जाता है। आप इससे और ज्यादा आगे स्टडी कीजिए, हम भी जब रिवाइज करेंगे तो अगले टॉपिक में जरूर इसको इंक्लूड करेंगे। एनी टॉपिक विल हैज बीन लायबल टू बी इंप्रूव्ड, देयर इज ऑलवेज दैट इज स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट। यहां तक मेरा नॉलेज अभी है जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया।
इससे आपको एनडीए के क्लास में एग्जाम में कमिंग एग्जाम में भी फायदा होगा, ऑल एग्जाम में होगा। आप इतने टॉपिक से अवेयर हो गए, जो भी आपने पहले पढ़ा हुआ है उसको रिकॉल करना है और उसको सहेज के रखना है, लिखना है, याद करना है, एक सीक्वेंस बनाना है और तब एग्जाम में जाना है। नहीं तो रेसिस्टेंस इन सीरीज, रेसिस्टेंस इन पैरेलल और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आपने लगा के गया और पूछा कि भैया सुपर कंडक्टर क्या है, तो नहीं हमने पढ़ाई नहीं है, तो ये बात मैं सुनना नहीं चाहता। आई हैव वास्ट एक्सपीरियंस, आई अगेन सेइंग दैट आई हैव लॉन्च्ड ए सीरियस न्यू बैच, बिल्कुल न्यू बैच है, अभी 2-3 दिन क्लास हुई है। आप मेरा रेफरल कोड अतुल सिन्हा इस्तेमाल कीजिए और अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे आइए और आपको बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे ग्रुप ऑफ टीचर पढ़ा रहे हैं। मैं सिंगल नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो पूरा बैच है, लक्ष्य के नाम से बैच है, जिसमें कि ग्रुप ऑफ टीचर्स हैं हमारे बारे बाकी कोलिग्स हैं और सब मिलके आपको एवरी सब्जेक्ट को अच्छी तरह से गाइड करेंगे और आप इस कोरोना के लॉकडाउन पीरियड में भी क्वालिटी एजुकेशन ले पाएंगे। दिस इज माई फैमिली, बच्चों जय हिंद, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।